दिल मेरे तू है इतना कार। खोपड़िया देख लेते हैं कैसी आ रही है। ठीक है, बहुत ज्यादा वो है, पिक्सल्स थोड़ी पिक्सलेटेड आ रही है, बट गाइस अभी हमारे पास यही कैमरा है, इसी से काम चलाना पड़ेगा। I'm so sorry. ये तो कर ही नहीं सकता मैं, YouTube पर पर्सनैलिटी अच्छी दिखानी होती यार अपनी, क्या कर रहा हूँ मैं। माइक चेक। हेलो। ठीक है तो दोस्तों, शुरू करते हैं वीक 12 हमारे 100 वीक चैलेंज का। और इस चैलेंज के एंड में मेरे मेजरली दो ही गोल्स हैं। एक, मेरे को अपने घर से बाहर निकल के अपना एक खुद का स्टूडियो, चाहे रेंट पे हो या फिर खरीद सकूं तो बहुत बढ़िया बात है। तो मेरे को अपना एक स्टूडियो क्रिएट करना है जहाँ पे मैं आर्ट भी क्रिएट कर पाऊँ, वीडियोस भी क्रिएट कर पाऊँ। और दूसरा ऑब्जेक्टिव है कि मेरे को एक बेटर कंटेंट क्रिएटर और एक बेटर आर्टिस्ट बनना है, और मेरे को कंसिस्टेंट रहना है। जितना कंसिस्टेंट रहोगे उतने बेटर आर्टिस्ट बनोगे, तो कोई बोलने वाली बात है ही नहीं। एक तपस्या की तरह होती है जो रोज करनी पड़ती है। बेसिकली मेरे को एक इंडिपेंडेंट आर्टिस्ट बनना है, तो खुद से लाइक ऑन माय ओन चीज़ें एस्टेब्लिश करने में और खुद से पैसे कमाने में दिक्कत हो रही है। था स्टार्टिंग से ही, मतलब 2016-17 से यही था दिमाग में कि यार यूट्यूब चैनल चाहिए, खुद का एक यूट्यूब चैनल चाहिए। नॉट बिकॉज ऑफ भीड़ चाल की वजह से कि इतने सारे लोग यूट्यूब पे फेमस हो रहे हैं, उनकी बातें हो रही हैं, लोग फॉलो करते हैं। नॉट दैट। आई वॉन्ट टू हैव माई ओन इन्फ्लुएंस। मैं चाहता हूँ कि एज एन आर्टिस्ट मेरे दिमाग में जो स्टोरीज हैं, मेरे दिमाग में जो बातें आ रही हैं, वो लोगों तक पहुँचे और उनको इम्पैक्ट करें। सो दैट्स माई इंटेंशन एंड दैट्स माई रीजन फॉर ट्राइंग टू बिकम अ यूट्यूबर। अब ठानी है तो करके ही रहेंगे। सो बस यही है 100 वीक चैलेंज मेरा, जैसे तैसे करके खुद का स्टूडियो लेना है और एक अच्छा फिल्म मेकर और एक आर्टिस्ट बनना है। और इस जर्नी में मुझे आपका सपोर्ट, आपका प्यार, आपका साथ और आपका सब्सक्राइब भी मिल जाए तो बहुत बढ़िया होगा। सो सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ मेरा नेक्स्ट टी शर्ट का डिज़ाइन जिस पर मैं काम कर रहा हूँ। दिस इज द डिज़ाइन दैट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ। थोड़ा जूम करके भी दिखा दिया जाए तो मज़ा आ जाए। ये देखो दोस्तों, दिस इज वॉट इज हैपनिंग राइट नाउ। इट टॉक्स वॉट आई एम गोइंग थ्रू राइट नाउ। खुद से काम करना, यू हैव टू बी योर ओन बॉस बेसिकली। तो उसके लिए जो एक सबसे बड़ी क्वालिटी होती है ना सब इंसानों में, दैट इज़ पहली तो होती है टेकिंग अकाउंटेबिलिटी फॉर योर सेल्फ, फॉर योर एक्शंस एंड फॉर योर डूइंग्स। यू नो, तुम्हें कोई डेडलाइन देने वाला नहीं है, तुम्हारे अकाउंट में कोई सैलरी डालने वाला नहीं है हर महीने के एंड में, हर महीने की स्टार्टिंग में। तुम्हें कोई काम भी लाके नहीं देगा सामने कि ये करो। यू हैव टू फाइंड वर्क एंड देन डू इट। यू हैव टू हैंग अ स्वॉर्ड ऑन योर ओन हेड। तुम्हें खुद ही अपने सर पे तलवार लटकानी पड़ेगी, तुम्हें खुद ही डिसिप्लिन में रहना पड़ेगा। यू हैव टू टेक रिस्क। मतलब ज़्यादा फिलोसफिकली बात नहीं करनी मेरे को, बट घुमा फिरा के यू गेट द आइडिया राइट। You have, if you have to be your own boss, you have to fight your own battles. I want this design to capture that attitude, capture that nature. Like भगवान ने तुम्हें भी qualities दी हैं, तुम्हें भी certain abilities दी हैं, और खुद पे doubt मत करो। तुम्हें तुम्हारे अंदर like इतनी abilities दी हैं भगवान ने, like you'll be surprised by your own powers, by your own virtue once you put yourself to discipline. उस intention के साथ ये illustration बन रही है, and this is going to be on the back side of the t-shirt. एंड फ्रंट पे आई एम गोना राइट गॉड गोल्स एंड ग्लोरी। इसमें सब कुछ आता है, लाइक डू योर प्रेयर्स एवरी डे, स्टे इन डिसिप्लिन एवरी डे, हैव अ प्लान एंड देन स्टिक टू इट, ऑलवेज कीप योर आइज एट द स्काई, ऑलवेज एम फॉर ग्लोरी। तो अब चलते हैं यूट्यूब पे। मिस्टर बीस्ट की भी वीडियोस देख रहा था और भी एक दो क्रिएटर्स के मुंह से, पता नहीं कभी तो मैंने सुना है कि जब अपनी जर्नी स्टार्ट कर रहे हो यूट्यूब पर, बस मोटिवेशन मत लूज करना बिकॉज यूट्यूब इज अ लॉन्ग रन गेम। क्रिएटर्स बढ़ते जा रहे हैं, कंपटीशन भी बढ़ता जा रहा है यूट्यूब पर, तो इट्स गोना बिकम अ लॉन्गर गेम। एंड लाइक मतलब जितनी वैरायटी की वीडियोस बना सकते हो उतनी बनाओ। एक्सप्लोर व्हाट यू लाइक, लाइक जो भी मन कह रहा है कि हाँ ये चीज़ मेरे को भी पसंद है और मेरे को लगता है कि इस चीज़ के बारे में बात करूँगा तो औरों को भी पसंद आएगी। पुट योर सेल्फ आउट। सो दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू। मैंने अपनी वेबसाइट भी बना दी है, वेबसाइट का एक और लुक दे देता हूँ। सो दिस इज़ द वेबसाइट। माई लकी नंबर 7 टी शर्ट्स मैंने डाल दी हैं। लास्ट टी शर्ट जो मैंने डाली है दैट इज़ अपोरला 15। जो रियल मैड्रिड फैंस हैं मेरी तरह, जो ट्रू मैड्रिडिस्टास हैं मेरी तरह, उनको समझाने की ज़रूरत नहीं है वॉट अपोरला 15 मीन्स टू अस। ये टी शर्ट मैंने बनाई है, 2 फिट्स में अवेलेबल है, ओवर साइज फिट एंड टेरी फिट।
टेरी फिट मैंने अभी तक खुद भी ट्राई नहीं करी है, ओवरसाइज तो मैंने पहन रखी है, देख सकते हो। टेरी ओवरसाइज्ड मेरे को ट्राई करनी है, मैं मंगाऊंगा अभी थोड़े टाइम। अगर आप इस वीडियो पर आ गए हो और आपको कोई टी शर्ट पसंद आ रही है तो मेरे को ज़रूर सपोर्ट करना, वेबसाइट को ज़रूर चेकआउट करना, और कुछ पसंद आ रहा हो तो ज़रूर ख़रीदना। क्या है जिसके ऊपर हम रिएक्ट कर सकते हैं? मेरी जो लास्ट वीडियो है 12 डेज अगो, इट हैज़ 37 व्यूज़, बट मेरे को पर्सनली बहुत अच्छा लगा। मतलब वो पूरा प्रोसेस की मैं बैठा, जो मेरे से हो सकता था, ये भी मैंने वेबकैम, और इसमें तो स्पीकर भी वेबकैम वाला ही है, इसमें मैं एटलीस्ट अपना थोड़ा बेटर करी मैंने वीडियो कि मैं अपना बोया का माइक यूज़ कर रहा हूँ अब। तो मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मैंने बनाई ये वीडियो पूरी, इसमें जो भी वट एवर माई माइंड वॉज कि मैं एक महीने से वेबसाइट पर काम कर रहा था, और जितना भी मेरे से हुआ मैंने वो वीडियो बनाई और इस चैलेंज को आगे बढ़ाया इसके वीक 11 में। एंड इसमें अब कोई गिव अप नहीं करना है, ये चीज़ पूरी की पूरी हो के रहेगी और मैं एक सक्सेसफुल यूट्यूब आर्टिस्ट बन के रहूँगा। इस वीडियो के लिए इतना ही ब्रदर्स एंड सिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, बाकी मेहनत चलती रहेगी, गाड़ी आगे बढ़ती रहेगी, एंड कोशिश हमेशा यही रहेगी कि मैं आपको और बेटर से बेटर वीडियोस ला पाऊँ। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, ध्यान रखो अपना, मेहनत करते रहो और पानी भी पीते रहो, स्टे हाइड्रेटेड, बाय।